अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज। आज वजीर आजम साहब सुबह 8 बजे उठ के उन्होंने दांत साफ किए, मुंह धोया और खाना खाया। खाना खाने के बाद वो अपने घर से वजीर आजम हाउस रवाना हुए। वहां पे उनके बहुत सारे अच्छे दोस्त और लोग इंतजार कर रहे थे। कुछ से वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ से हाथ मिलाया, कुछ से गले मिले और कुछ के साथ बैठ के गुफ्तगू भी की। उसके बाद वो वहां से अपने घर वापस रवाना हो गए। उन्होंने अपना मनपसंद जूस पिया, अपना मनपसंद खाना खाया और सोना बेहतर समझा। तो ये थी आज की खास खबरें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज वजीर आजम साहब सुबह 8 बजे उठे। 8 बजे उठकर उन्होंने दांत साफ किए, मुंह धोया और खाना खाया। खाना खाकर वो अपने घर से प्राइम मिनिस्टर हाउस रवाना हो गए। प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचकर उन्होंने कुछ लोग उनसे हाथ मिलाया, कुछ के गले लगे और कुछ से बैठ के गुफ्तगू भी की। उसके बाद वो अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपना मनपसंद जूस पिया, मनपसंद खाना खाया और उन्होंने सोने का फैसला किया। ये थी आज की खास खबरें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज और मैं हूँ रिदा अली। और मैं हूँ उमर अली। आज मैं आपको बताएंगे पाकिस्तान की अहम खबरें, और वो है आईटी की खबरें, मतलब इमरान खान। आपका मतलब पाकिस्तान के वजीर आजम। जी बिल्कुल। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं आज वज़ीरे आज़म पाकिस्तान सुबह 7 बजे उठे और सबसे पहले उन्होंने उठकर 2 किलोमीटर रनिंग की और उसके बाद उन्होंने 5 गिलास जूस के भी पिए। सिर्फ 5 गिलास जूस नहीं बल्कि साथ ढेर सारा नाश्ता भी किया। आपको जान के खुशी होगी कि आज आईके ने प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने के लिए कोई एक्सपेंसिव ड्रेसिंग नहीं। एक्सपेंसिव ड्रेसिंग तो दूर की बात है, बल्कि वो तो अपने स्लीपिंग सूट में चले गए। आज तो इमरान खान ने कमाल ही कर दिया। बिल्कुल ठीक है आपने बताया। सबसे पहले इमरान खान ने अपने तमाम वजीरों को खूब सारी डांट पिलाई और उसके बाद करप्शन पे एक लंबा सा लेक्चर भी दिया। सबसे पहले वजीर आजम पाकिस्तान ने तमाम वजरा को बताया कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं, कहाँ हंसना है कहाँ नहीं, कहाँ रोना है कहाँ नहीं, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं, कहाँ ऊंचा बोलना है कहाँ आहिस्ता बोलना है, क्या करना है क्या नहीं, किसके साथ बैठना है किसके साथ नहीं। और ये तमाम बातें करने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने सबको बताया कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। और उसके बाद उन्होंने प्रेस को बताया कि वजीर आला पंजाब कितने अच्छे हैं। तो ये थी आज की अहम और इम्पोर्टेंट खबरें। कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं और देखते रहिए पीटीवी न्यूज। अल्लाह हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।